आज का जो हमारा चैप्टर है जी, ये ब्रांचिंग से मुतलका है। ब्रांचिंग को आपने, ये जाहिर है असेंबली लैंग्वेज ऐसे स्टूडेंट ही पढ़ रहे होते हैं कि जिन्होंने पहले कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज है वो पढ़ी होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो सिलेक्शन का स्ट्रक्चर हम यूज करते थे, जो काम हम इफ एल्स के साथ करते हैं, जो काम हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके या स्विच स्टेटमेंट को यूज करके हम करते हैं, तो वो काम असेंबली के अंदर हम ब्रांचिंग के जरिए किया जाता है। तो इसको हम कंपैरिजन एंड कंडीशंस का नाम भी देते हैं। बेसिकली वी यूज कंपैरिजन एंड बूलियन एक्सप्रेशन एक्सटेंसिवली इन हायर लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो आप देखें कि कोई प्रोग्राम ही हमारा ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमारे पास इफ एल्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो या किसी भी स्विच का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में ऐसी कोई कमांड मौजूद नहीं है इफ की या एल्स की या लूपिंग के लिए वाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। असेंबली लैंग्वेज किस तरह से ये काम करती है, इस लॉजिक को आपने समझना है। बाकी अगेन वही बात कि जो कोडिंग है इसकी, अगर आप समझते हैं तो आप खुद से करके देखेंगे। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, कोड लिखा हुआ आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं होती। इस वजह से जाहिर है इसके ऊपर फिर टाइम हम कंज्यूम नहीं करते। जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है असेंबली की, वो सी एम पी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपेयर स्टैंड्स फॉर कंपेयर है। सी एम पी इंस्ट्रक्शन जो है इसको हम यूज करते हैं ब्रांचिंग के लिए। ये बेसिकली करती क्या है, आपको पिछले लेक्चर्स में या अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि आपने हमारा जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसका जो प्रोग्राम लिखने का स्टाइल होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो इस तरह होती है। ऐड लिखते हैं, ए एक्स लिखते हैं और बी एक्स लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें ऐड जो है ये इंस्ट्रक्शन है और जो बी है ए एक्स है ये सोर्स ऑपरेंड होता है और बी एक्स जो है ये टारगेट ऑपरेंड होता है। मसलन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ए एक्स की वैल्यू को बी एक्स में जमा करो और जो रिजल्ट आए उसको ए एक्स में ही स्टोर कर दो। तो इसमें जो पहला ऑपरेंड आप लिखते हैं ये आपका सोर्स ऑपरेंड होता है, दूसरा ऑपरेंड जो होता है ये आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है। वो ये कहता है कि अगर आप लिखते हो सी एम पी ए एक्स कॉमा बी एक्स तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी इसके ऊपर। तो ये देखें क्या करेगी, कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करेगी के सब्ट्रैक्ट करेगी सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम डेस्टिनेशन ऑपरेंड। जो सोर्स ऑपरेंड है उसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड में से तफरीक करेगी, यानी ये बी एक्स में से ए एक्स को माइनस करेगी, पहला काम ये करेगी, ठीक है। उसके बाद अपडेट करेगी फ्लैग्स को विदाउट चेंजिंग आइदर द सोर्स और डेस्टिनेशन। ना ये सोर्स की वैल्यू को चेंज करेगी, ना ये डेस्टिनेशन की वैल्यू को चेंज करेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करने के बाद जो फ्लैग रजिस्टर हमने पढ़ा था, जिसके बारे में हमने बात की थी कि फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो 16 बिट का होता है और उसकी हर बिट अलहदा अलहदा मीनिंग कैरी करती है। वो अलहदा अलहदा मीनिंग हमारे पास क्या होता है, किस तरह वो उसके ऊपर काम करती है, कैसे, वो भी आज हम देखेंगे। तो इसका काम कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन का ये है कि डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करना और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज को अपडेट करना, लेकिन ये सोर्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू को चेंज नहीं करती। सी एम पी इज वन ऑफ द की इंस्ट्रक्शन एज इट इंट्रोड्यूसेस द कैपेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग कंडीशनल रूटिंग इन द प्रोसेसर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके जरिए हम अपने प्रोसेसर की जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम के फ्लो की, उसको कंडीशनली कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद तुम जंप करके दूसरी इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ जो कि बिल्कुल उसके बाद नहीं है या उससे आगे होती है। अब जिन जिन फ्लैग्स को कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो अपडेट करती है, वो वाले फ्लैग कौन कौन से हैं, एक साइन फ्लैग को ये अपडेट करती है, कैरी फ्लैग को अपडेट करती है और जीरो फ्लैग को अपडेट करती है, ठीक है जी। यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये पहले फ्लैग रजिस्टर का व्यू जो है ना वो दिखा देता हूँ कि ये फ्लैग रजिस्टर हमारे पास जो है वो क्या होता है, ठीक है जी। फ्लैग रजिस्टर हमने ये कहा था कि जो फ्लैग रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर होता है और उसकी हर बिट जो होती है
उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं कि जो पहली बिट है वो किस लिए काम करती है, दूसरी बिट जो है वो किस लिए काम करती है, और तीसरी बिट, इस तरह करके ना उसकी हर बिट का जो है वो एक सेपरेट मीनिंग होता है। तो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन जो है वो इन चार बिट्स को वो यूज करेगी जी, साइन को, कैरी को, जीरो को और ओवरफ्लो फ्लैग को, और उसके बाद जो है हम इन फ्लैग्स की वैल्यूज की बुनियाद के ऊपर जो है वो नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि हमने कहाँ पे जाना है। यानी एक तो उसने सब्ट्रैक्शन करनी है, दूसरा उसने इन फ्लैग्स की वैल्यू को जीरो या वन करना है, और फिर नेक्स्ट हमने ये देखना है कि किस फ्लैग में जीरो है तो इसका मतलब क्या है, अगर कैरी में जीरो आया है तो उसका मतलब क्या है, अगर फ्लैग में जीरो आया है तो उसका मतलब क्या है, और अगर ओवरफ्लो में जीरो आया है तो उसका मतलब क्या है। इनके मीनिंग्स को हमने समझते हुए फिर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल हमने करना है। मसलन अगर हम फर्ज करें, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, ये जो हमने मिसाल लिखी हुई है इसी को हम यूज करते हैं, ये वाली जो एग्जांपल है ना इसको यूज करते हैं। उसने बी एक्स में से ए एक्स को माइनस किया, ठीक है, ए एक्स की वैल्यू भी 5 थी, बी एक्स की वैल्यू भी 5 थी। अब जब वो 5 में से 5 को माइनस करेगा तो आपका आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा जी? 0 आएगा। और 0 जब भी प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करे और उसका जवाब 0 में आए तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो 0 फ्लैग होता है ना उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब 5 में, यानी bx का ax में से माइनस करने के बाद अगर फ्लैग रजिस्टर जो है, जो फ्लैग रजिस्टर है अगर उसकी वैल्यू, फ्लैग बिट जो है, हाँ जी, जो कौन सी बिट ये बनेगी, हाँ 0 फ्लैग, हाँ जी, zf जो है यानी zf की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर हैं आपस में, ठीक है। यानी यहां से हमें पता चल गया कंपेयर इंस्ट्रक्शन चली और zf की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हम ये कंसीव कर सकते हैं कि zf की जो वैल्यू है, जो ये ax और bx हैं ये आपस में इक्वल है। अब फर्ज करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू है ax की 7 है और 5 जो है ना वो बी एक्स की वैल्यू है, 5 में से जब 7 उसने निकाले तो जवाब आया -2। यानी एक ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन के जिसका जवाब जो है वो माइनस में आया है। जैसे ही उसका जवाब माइनस में आएगा तो माइनस में आने की वजह से साइन फ्लैग जो होता है उसकी वैल्यू जो है ना उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये शो क्या कर रहा है कि अगर कंपेयर की इंस्ट्रक्शन चलेगी 7 और 5 के ऊपर और साइन फ्लैग की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स की वैल्यू बड़ी है और बी एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, फिर इसका ये मतलब होगा। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि हम सी एम पी तो सिर्फ और सिर्फ माइनस ही करेगा, यानी दो वैल्यूज को वो माइनस ही करेगा, लेकिन उन माइनस करने से या तो 0 जवाब आ सकता है माइनस करने से या माइनस में जवाब आ सकता है, ठीक है, और माइनस करने से जवाब जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है। अगर बी एक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है, और आपके पास ए एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है तो फिर 7 में से 5 निकालेंगे तो जवाब हमारे पास 2 आएगा। अब जब 2 जवाब आया तो ना तो साइन फ्लैग ना नेगेटिव आया ना ये 0 में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना नेगेटिव की बिट को कुछ हुआ ना 0 की बिट को कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बी एक्स जो है ये बड़ा होगा तो तभी ये दोनों बिट्स जो हैं फ्लैग रजिस्टर की इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि सी एम पी इंस्ट्रक्शन के माइनस करने और फ्लैग रजिस्टर के अंदर साइन बिट के चेंज, साइन फ्लैग की चेंज होने और 0 फ्लैग के चेंज होने से हम 3 चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए एक्स जो है ये लेस देन बी एक्स है, ए एक्स जो है ये ग्रेटर देन बी एक्स है, और ए एक्स जो है
ये डबल इक्वल टू बी एक्स है, ठीक है जी। कैसे फ्लैग पता चला? अगर ए एक्स लेस देन बी एक्स था तो साइन फ्लैग की वैल्यू को चेंज होती है, अगर ए एक्स बी एक्स से बड़ा है तो फिर साइन फ्लैग की वैल्यू चेंज होती है, और अगर ए एक्स लेस है तो फिर हमारे पास कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, और अगर ये इक्वल है तो फिर जीरो फ्लैग की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है जी। तो ये वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये कॉम्बिनेशंस किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनके लिए ये एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को आपने याद करना है। ये टेबल आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये टेबल किसी भी हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, कंपैरिजन के हवाले से। ये देखें जी, जब डेस्टिनेशन और सोर्स बराबर होंगे तो आपका जीरो फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, जब अनसाइंड डेस्टिनेशन छोटा होगा अनसाइंड सोर्स से तो कैरी फ्लैग की वैल्यू वन हो जाएगी, जब अनसाइंड डेस्टिनेशन लेस देन इक्वल होगा अनसाइंड सोर्स से तो जीरो फ्लैग की वैल्यू वन होगी या कैरी फ्लैग की वैल्यू वन होगी, ठीक है जी। जब अनसाइंड डेस्टिनेशन बड़ा होगा या बराबर होगा अनसाइंड सोर्स के तो आपके कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, और इसी तरह ये सारा चार्ट जो है ये कंपैरिजन का बना हुआ है। अगर आपके पास साइंड डेस्टिनेशन बड़ा है साइंड सोर्स से तो फिर एस एफ साइंड फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग जो है इन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। अगर आपके पास ये साइन डेस्टिनेशन बड़ा है साइन सोर्स से तो फिर आपके पास जो है वो जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी, और साइन फ्लैग की वैल्यू जो है वो आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग से बड़ी होगी। ये टेबल आपको जहन नशीन करना है, या कम से कम इसके पहले तीन चार कॉलम तो लाजमी आपने जहन में रखने हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि जब आपके पास ये वाली कंडीशन होगी तो उस वक्त कौन से फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आपने ये वाला आंसर करना होगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपने उसके अंदर लिखनी होती है, ठीक है जी। यहाँ तक बता दें जी, आपको समझ आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है जी, अब ये सीएमपी का काम हमारी समझ में आ गया। अब उसके बाद सीएमपी के साथ हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट को। जंप स्टेटमेंट हमारे पास फिलहाल ये नाम सुन लें जी, जे जेड इसका मतलब है जंप इफ जीरो, जे एन जेड इसका मतलब है जंप इफ नॉट जीरो, जे ई इसका मतलब है जंप इफ इक्वल, जे एन ई इसका मतलब है जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक है जी। जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जे बी आ गया हमारे पास, हर दफा मैं बी को भूल जाता हूँ कि इस बी का मतलब क्या है, जंप इफ बिलो, जंप इफ नॉट, ए फॉर भूल गया, एंड ई फॉर इक्वल है, जंप इफ नॉट बिलो है, जंप इफ नॉट, ए का मतलब फिर जेन से निकल गया कि ए से क्या बनता है, जंप इफ बिलो, जंप इफ नॉट अबव, हाँ जी, जंप इफ अबव एंड इक्वल। तो ये आप देख लें जी, ये वो जंप्स की स्टेटमेंट्स हैं जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होती हैं जब हम ब्रांचिंग करना चाहते हैं। तो हम ऊपर वाली कंडीशन को जहन में रखते हुए जंप लगाएंगे कि हमें यहाँ पे जंप इफ इक्वल चाहिए, जंप इफ नॉट इक्वल चाहिए, जंप इफ नॉट जीरो चाहिए, जंप इफ जीरो चाहिए, जंप इफ नॉट कैरी चाहिए, या जंप इफ बिलो चाहिए, जंप इफ नॉट अबव एंड इक्वल चाहिए। तो इस तरह का जंप जो है वो हम ये स्टेटमेंट्स भी हम यूज करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप इनके नाम याद कर सकते हैं और इनके एब्रीवेशंस को यूज कर सकते हैं, और अब ये देखें कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं, ये उनके बारे में एक पूरा टेबल बना हुआ है। अगर आप जंप इफ कैरी, जंप इफ बिलो, जंप इफ नॉट इक्वल एंड कैरी, ये तीनों जंप उस सूरत में काम करेंगे जब कैरी फ्लैग की वैल्यू वन होगी। ये जो तीनों फ्लैग जंप्स हैं, जंप नॉट कैरी, जंप इफ नॉट बिलो, जंप इफ अबव एंड इक्वल, ये उस वक्त काम करेंगे जब आपके कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह
जंप इफ इक्वल कब काम करेगा, और ये सारे जंप्स और इनके साथ जो फ्लैग्स की वैल्यूज मौजूद हैं, चूंकि जंप्स ने वैल्यू जाके देखनी है फ्लैग रजिस्टर में, और कोई जीरो फ्लैग के साथ अटैच है, कोई कैरी फ्लैग के साथ अटैच है, कोई ये देखें ये दोनों के साथ है, जीरो फ्लैग की वैल्यू भी जीरो होगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू भी जीरो होगी, तो फिर ये जंप अबव और जंप इफ नॉट बिलो एंड इक्वल जो है ना वो चलेगा। इसी तरह ये टेबल भी आपने अपने जहन नशीन करना है, तब जाके आप यूज कर सकेंगे जंप्स को और कंपेयर इंस्ट्रक्शन को कोडिंग के दौरान। ठीक है, तो आपका स्मॉल टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल टारगेट ये होना चाहिए आपको तमाम जो जंप्स हैं उनकी वैल्यूज का पता हो, और इन टेबल में से जो मेजर मेजर हैं उनकी वैल्यूज और उनके साथ जुड़े हुए जो फ्लैग रजिस्टर हैं उनकी वैल्यूज का आपको सही सही जो है वो अंदाजा होना चाहिए, ताकि आप एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर सकें, और आप जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं मिड टर्म के अंदर उनको भी आप इजीली जो है ना वो देख सकें। ठीक है जी, ये था हमारा आज का डिस्कशन जी। प्रोग्राम 3.1 जो है ये मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ जी। ये क्या करता है जी, ये प्रोग्राम टू एड 10 नंबर विदाउट ए सेपरेट काउंटर, ये सॉरी 10 नंबरों को ऐड करेगा। जरा इसकी लॉजिक को देखें जी, ऐड करता है ए एक्स में, बी एक्स में हमने जीरो मूव कर दिया, ए एक्स में जीरो, ए एक्स में ऐड करेगा नम वन प्लस बी एक्स को, जो नम वन के अंदर पहली वैल्यू 10 है, बी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये 10 को ऐड कर देगा जी ए एक्स के अंदर। फिर बी एक्स में 2 का इजाफा करेगा, जब बी एक्स के अंदर 2 का इजाफा किया तो बी एक्स जो है वो अगली 2 बाइट्स पे चला गया, और अगली 2 बाइट्स में 20 पड़ा हुआ है, यहाँ से इसने 20 लिया, और बी एक्स जो था इसके अंदर वैल्यू थी, इसको कंपेयर किया गया 20 के साथ, 20 में से बी एक्स की वैल्यू को निकाला, बी एक्स की वैल्यू इस वक्त 2 है, 20 में से जब 2 को निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा जंप लगाया हुआ है, जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल उस वक्त चलता है जब आपके पास जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो होती है, तो इस वक्त जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होती है, इसके वक्त इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये जंप करके वापस आ जाएगा, और इस तरह ये उस वक्त तक घूमता रहेगा जब तक कंपेयर में 20 माइनस 20 होके जीरो फ्लैग के अंदर वैल्यू जाके 1 हो जाएगी, और जैसे ही इस जे एन जाके देखेगा कि जीरो फ्लैग में 1 हो गई है तो ये आपको यहाँ ले आएगा। हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शन को भी देख लिया, डिफरेंट किस्म के जो जंप्स हैं उनको भी हमने देख लिया है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है इसको भी मैंने, इसकी लॉजिक भी आपके सामने जो है ना वो मैंने बयान कर दी है। ठीक है जी, तो आज का हमारा सेशन जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, कि 3.3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे जी। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, अनकंडीशनल जंप हमारे पास कौन सा होता है, इसके लिए अब सारे हमने कंडीशन के साथ किए हैं, जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ नॉट, जंप इफ नॉट इक्वल, तो अब हम जे एम पी इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अनकंडीशनल जंप जो है वो क्या होता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।